अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमलगम किचन्स। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल के लिए हमें जो सब्जियां चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने चिकन लिया है हाफ के जी, जिसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। स्प्रिंग अनियन लिया है हमने 2 से 3 अदद, जिसके वाइट और ग्रीन पार्ट हमने अलग अलग रखा है। ऑरेंज कैरेट है हमारे पास हाफ के जी, कैबिज है हमारे पास हाफ के जी, और कैप्सिकम भी हमारे पास है हाफ के जी। बाकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम। उसमें हमारे पास है सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून है हमारे पास वाइट विनीगर, 2 टेबल स्पून है हमारे पास सोया सॉस। रोल पट्टी का हमने लिया है 1 पैक, और हमें रोल पट्टी को फिक्स करने के लिए चाहिए स्लरी। स्लरी हमने बनाई है वाटर और मैदे से। मैदा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, और 1 छोटा कप हमने लिया है पानी का, जिसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया है। इससे हम ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और इसको तकरीबन 30 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। चिकन हमारा सौते हो चुका है, अब हम एक एक करके इसमें सारी सब्जियां डालेंगे। आंच को थोड़ा हल्का कर देते हैं। अब इसको आराम से हम मिक्स करेंगे। मैंने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स इसलिए करना चाहिए कि यूजुअली चिकन जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो मैंने चिकन को वेजिटेबल के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने सब्जियों को फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले डालते हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट विनीगर और डार्क सोया सॉस। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हैं, और मैंने इनको थोड़ा नॉर्मल रखा है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो ब्लैक पेपर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अब हम आधे घंटे के लिए इसको नॉर्मल होने के लिए रखेंगे और फिर रोल की फिलिंग करेंगे। फिलिंग हमारी नॉर्मल हो चुकी है, अब हम रोल बनाते हैं। रोल हमारे बन चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम रोल फ्राई करते हैं और एक एक करके हम डालते हैं। बहुत ज़्यादा हमने आंच को हाई नहीं रखना, तकरीबन लो फ्लेम पे ही हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि लो फ्लेम पे इनका कलर भी अच्छा आएगा और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। एक साइड से तकरीबन रोल फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको फ्लिप करते हैं।
रोल फ्राई हो चुके हैं, चूल्हा हम बंद कर देते हैं। अब हम इनको निकाल, व्यूअर्स स्प्रिंग रोल हमारे रेडी हैं। अगर आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन ज़रूर हिट करते जाएं।